आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो जा रहे हैं और लोगों से उस पर चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, वो काम पर जनता का क्या फीडबैक है, उस पर लगातार चर्चा चल रही है। उसके साथ साथ समानांतर महिलाओं की अलग अलग मोहल्लों में रेवड़ी पे चर्चा का कार्यक्रम जो है वो साथ साथ जारी है। हमें भरोसा है कि ये जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है इससे आम आदमी पार्टी का जो चुनावी अभियान है और आगे बढ़ेगा और जनता के साथ मिल करके दिल्ली के अंदर फिर से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में हम सफल होंगे। सर, बड़ा सवाल ये कि मनीष सिसोदिया की सीट बदलने का कारण क्या रहा, कुछ सर्वे था या उनकी खुद की चॉइस थी? देखिए, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के अंदर किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, जनता उनके साथ है। लेकिन आप सबको पता है कि पिछले दिनों जो शिक्षाविद अवध ओझा जी ने पार्टी ज्वाइन की उसको लेकर के अंदर चर्चा थी कि उनको किस सीट से लड़ाया जाए। उसमें मनीष जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पड़पड़गंज उन्होंने सीट ऑफर की थी और वहाँ से अवध ओझा जी को कैंडिडेट बनाया गया है और उन्होंने अपने लिए पार्टी के सामने जो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है वो इस बार जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी लगभग 11 सीटें ऐसी थी जहां पर हमारे पास विधायक नहीं थे, तो वहां पर तो फ्रेश कैंडिडेट लाने ही थे और लाए गए हैं। उसके अलावा जो 20 सीटें हैं, 20 सीटों में से दो लोगों की सीट बदली गई है, राखी बिरलान और मनीष सिसोदिया जी की। 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विधायकों के को टिकट बदल करके नए कैंडिडेट को घोषित किया गया है, जिसमें से 90% हमारे काउंसलर हैं जो वहां पर उसी विधानसभा में जो फील्ड कर रहे थे। परफॉर्मेंस के आधार पर जो पार्टी लगातार हर विधानसभा का माइक्रो फीडबैक जनता का ले रही है और हम एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मूल मंत्र शुरू से रहा है कि जनता के लिए परफॉर्मेंस हमें काम करना है और काम करना है, तो उस जनता के फीडबैक के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर जो हमारे काउंसलर हैं जिनकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव रही है, अच्छी रही है, उनको अपना कैंडिडेट पार्टी ने बनाया है।